हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो है ग्रेटिंग के बेस्ड। और आपने रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग पढ़ाया था, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग जब हमने पढ़ा था तो हमने निकाला था कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इज इक्वल टू एन एन। ये हमने प्रूव कर चुका है, तो उस पर बेस करते हुए हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो आज का न्यूमेरिकल है अ ग्रेटिंग हैविंग द 15 सेंटीमीटर ऑफ द सर्फेस रूल्ड विद 6000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, ग्रेटिंग की कितनी सर्फेस है, 15 सेंटीमीटर की, जिसके ऊपर हमने 6000 लाइंस पर सेंटीमीटर के हिसाब से लाइन ड्रॉ करी है। व्हाट द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ग्रेटिंग इन द फर्स्ट ऑर्डर। आपको किसकी निकालना है, ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर निकालनी है जब n इज इक्वल टू 1 है। तो आपका फॉर्मूला हो गया लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इज इक्वल टू n इनटू n। ठीक है, तो n आपको कितना दे रखा है, n इज इक्वल टू 1 दे रखा है, और कैपिटल n क्या कहा था उसने, 15 सेंटीमीटर में 6000 लाइंस पर सेंटीमीटर, मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइन हो गए 15 इंटू 6000। सो नंबर ऑफ लाइंस हो गया आपके पास 90, ये हो गया 1 2 3, है ना, ये आपके पास हो गया। सो आप कुछ नहीं करना, n इज इक्वल टू 1 हो गया है, तो लैम्डा अपॉन डी लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 9000। ये आपका रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ग्रेटिंग हो गया अगर आपका ऑर्डर 1 है। अगर आपके पास ऑर्डर 2 है तो ऑब्वियसली बात है n इज इक्वल टू 2 करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, सो इट विल बी जस्ट डबल हो जाएगा। तो आप इस तरह से अलग अलग ऑर्डर के लिए भी रिजॉल्विंग पावर को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।